नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर स्क्रीन पर जो है हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ते हैं। तो देखिए, ये प्लान जो है क्लाइंट के लिए बनाया गया था, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। तो G+1 प्लान है, उसका लास्ट में उसका 3D प्रिंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझ लेते हैं। देखिए, प्लॉट का साइज समझ लीजिए, 25 फीट जो है हमारा फ्रंट है और पीछे की साइड में जो है ये इस साइड में कम होता है, तो 20 फीट है। ठीक है, मतलब ये 5 फीट का ऑफसेट जो है वो दूसरों का प्लॉट्स है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में रोड है, बाकी की जो तीनों साइड है तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, पार्किंग के लिए जगह मिल रही है। इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि डायमेंशन आपको और क्लियर नज़र आ जाए। देखिए, यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह मिल रही है हमें, यहाँ पर कार हमारी पार्क हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक गार्डन के लिए छोटा सा पैसेज छोड़ा गया है। ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे इस लिविंग रूम में। 14 फीट बाय 22 फीट 5 इंच का इस लिविंग रूम का साइज है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 फीट 1 इंच बाय 15 फीट का यहाँ पे एक गेस्ट रूम दिया गया है, जिसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है, जिसका डोर जो है बाहर से है, मतलब ये गेस्ट जो है बाहर से ही रहेंगे और बाहर से ही बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस साइड से भी एक, अगर आप चाहे तो इस साइड से भी एक डोर लगा सकते हैं इस गेस्ट रूम को। अब ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था, तो उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यह डोर्स वगैरह लगाए गए हैं। उसके बाद में इस साइड में आते हैं तो देखिए, यहाँ पर एक टॉयलेट और यहाँ पर बाथरूम दिया गया है जो जनरल यूज़ के लिए है, लिविंग रूम से हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस साइड में आते हैं पीछे के साइड में, तो यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया नज़र आ रहा है। उसके बाद में स्टेप है ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है। ये जो बेडरूम है 14 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। उसके बाद में इस साइड में आते हैं, यहाँ पर हमारा किचन दिया गया है और किचन को पीछे साइड में एक डोर और एक विंडो दिया गया है, और इस साइड में कुछ ओपन पैसेज छोड़ा गया है, ये वॉश एरिया करके हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है 17 फीट 11 इंच बाय, मतलब लगभग 18 फीट बाय 10 फीट 7 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। तो इस टाइप में ग्राउंड फ्लोर पर आप देख सकते हैं हमने 3 बेडरूम दिया है, यहाँ पर एक गेस्ट रूम, यहाँ पर एक रूम और यहाँ पर एक बेडरूम। ठीक है, तीन बेडरूम है, और यहाँ पर एक लिविंग रूम है, डाइनिंग है, किचन है और कार पार्किंग और छोटा सा गार्डन के लिए भी पैसेज दिया गया है। अब ऊपर का फ्लोर जो है वो किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था ऊपर की मंजिल भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर होने के बाद ये डाइनिंग के एरिया में पहुँच रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है 16 फीट 1 इंच बाय 10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है और यहाँ पर जो गेस्ट रूम था नीचे, यहाँ पर भी एक बेडरूम दिया गया है, और यहाँ पर एक पूरा ओपन सीट आउट रखा गया है पार्किंग के ऊपर, जो ओपन टेरेस रहेगा या तो आप स्लैब भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, सेम टॉयलेट बाथरूम रिपीट किया गया है। और ये जो स्टेयर्स है ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आएगी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर नहीं जाएगी। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्टेयर्स जो है इस साइड में हटाई गई है। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगी फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगी और उसके बाद में क्लोज हो जाएगी। तो ये रूम की जगह जो है हमें यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगी। अब इसका 3D फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया था, वो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से ही बनाया गया था। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये जो इस टाइप में इसका 3D फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया था, आप देख सकते हैं 25 फीट का यह पूरा फ्रंट है। इस टाइप में यहाँ पे लिविंग रूम का डोर दिया गया है, यहाँ पर विंडो, ये जो है गेस्ट रूम का डोर और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। ऊपर जो है यहाँ पर एक बालकनी दिया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सीट आउट दिया था पार्किंग के ऊपर। तो इस टाइप में यहाँ पर ये सिंपल सा डिज़ाइन हमने बनाया था। इसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वो भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये जो एक कलर ऑप्शन है काफ़ी बढ़िया और सिंपल सा कलर ऑप्शन है, यहाँ पर टेक्सचर यूज़ किया गया है और ये भी एक कलर ऑप्शन है। ठीक है, मतलब तीनों कलर ऑप्शन जो है अलग अलग टाइप के हैं, आप देख सकते हैं, फिर से एक बार रिपीट से देख लीजिए। इस टाइप में ये तीन कलर ऑप्शन है। तो ये क्लाइंट का के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था, क्लाइंट के लिए बनाया गया था। आशा करता हूँ कि यह प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है, और यह
जो डिज़ाइन है ये भी आपको पसंद आया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।